ये ओल्ड है, ये न्यू है, देख सकते हैं ब्रेक पैड। अच्छा, इसमें भी होंडा लिखा हुआ, इसमें भी होंडा लिखा हुआ, ओरिजिनल पार्ट्स। इसमें भी होंडा है, इसमें भी होंडा है, होंडा है। देख सकते हैं, जूम करके दिखा सकते हैं, ये देख सकते हैं आप। देखिए ये ओल्ड है और ये न्यू है, कलर देख के पता चल रहा है एकदम एकदम। वर्कशॉप में इतना प्राइस होता है, उसका भी एक रीजन है जी, ताकि ये जितने सारे पार्ट्स देख रहे हो ना, वो लोग हमेशा चेंज कर देते हैं, कभी रिपेयर नहीं करते। हम लोग तो रिपेयर कर दिए, यही प्रॉब्लम है ना। ये जैसे कि डिस्क को लेद में भेज, अभी डिस्क कम से कम, ये जो है कम से कम तो शायद आप देख रहे हो वीडियो अभी, लेकिन वो वीडियो डाले हैं हम लोग एक साल पहले जी जी, तो उसका एक लिमिटेड होता है ना जी, एक ऑफर का। तो 1499 वो चलता रहेगा, वो 1499 वाला जो हमारा जो ऑफर है वो चलता, वो ऑफर अभी भी है। देखिए, नमस्कार, मैं हूँ गहल कृष्णा, आप देख रहे हैं इंडिया ट्यूब, राइट टाइम राइट चॉइस राइट इन्फॉर्मेशन के साथ। आज हम आगे है साइंस सिटी का ऑटोमेटिक में, और ऑटोमेटिक का आज का इस सुपर एक्सक्लूसिव वीडियो में आप सबका स्वागत। सर जी नमस्ते। नमस्कार, कैसे हैं सर आप? अच्छे, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छे हैं, एकदम ठीक हूँ जी। सर पहले यहाँ का लोकेशन अच्छे से बता दीजिए। सर हम लोग कंपनी का नाम है ऑटोमेटिक मोटर केयर प्राइवेट लिमिटेड, मेरा नाम है मिस्टर रमन, हम लोग कोलकाता से हैं, 30 नंबर आडू पोता, कोलकाता 105 है। बाकी नंबर चल रहा है, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको लोकेशन और बता देंगे कि कहाँ पे हम लोग का वर्कशॉप है। वेरी गुड सर, आज क्या क्या दिखाइएगा? आज हम लोग होंडा कार लेके काफी लोग परेशान है जी जी। सर्विस सेंटर जाते हैं, बोलते हैं कि बहुत बिल होता है, ये होता है। तो होंडा का हम लोग आज स्पेशली कर रहे हैं, ठीक है। होंडा कौन सा कार है बताएंगे आपको, और होंडा के ऊपर हम लोग वीडियो बना रहे हैं, ठीक, हम लोग दिखाएंगे। ओके ठीक है, तो शुरू किया जाए। चलिए दोस्तों शुरू किया जाए। सर जी ये होंडा कौन सा मॉडल है? सर होंडा का ये WRV है। WRV, वाओ जी, ये तो पॉपुलर कार है, बोलने का जरूरत ही नहीं, पॉपुलर कार है, बहुत जिनके पास में है वो तो छोड़ने मांगते नहीं है, और बहुत शौकीन आदमी ये कार चलाते हैं। हाँ सर, इसका कहानी बता रहे हैं, हम लोग आने से पहले ये सर्विस सेंटर में गए थे जी, उनको काफी अमाउंट बोला गया। अच्छा, तो हमसे कॉन्टेक्ट किया। एक्चुअल सर इसका बीमारी क्या है? इसका एक्चुअली फ्रंट सस्पेंसर का काम है। अच्छा। और ब्रेकिंग सिस्टम का काम है, देखिए ब्रेक का सब ये हुआ हुआ, फ्रंट का बहुत सारा फिटिंग हो गया। हाँ। और पेट सर्विस है, जैसे इंजन वाल, फिल्टर, एयर फिल्टर, ये सब है। अच्छा। ये सब हम लोग इसको पेट कर रहे हैं। अच्छा, सर्विस कर रहे हैं। तो सर्विस सेंटर में आप बताइए, सर्विस सेंटर में कार गया, उनको बोला की आपका जो है काफी रुपया लगेगा, और जो भी पार्ट रिपेयर होगा ना, सर्विस सेंटर रिपेयर तो होता नहीं, तो हमसे कॉन्टेक्ट किया। हमसे कॉन्टेक्ट किया, हमारे ठीक है सर आप आइए, हम उनको कोड दिया, वो राजी हो गए। अच्छा, मतलब सर्विस सेंटर जो बोल रहा था इनका 20% में काम हो गया। 20% में काम। सर कार कहाँ से आए हैं? कार सर आपका यही आपका चकदा बंगाल का ही कार है, बंगाल का कार जी जी। अच्छा ठीक है, तो सर और क्या क्या प्रॉब्लम है थोड़ा बताइए। इसमें सर फोल बता रहे हैं, इसमें फ्रंट ब्रेक डिस्क सर्विस सेंटर में जाएंगे तो चेंज कर देंगे। अच्छा। हम लोग लेद में उसको बनवा दिए हैं, पॉलिशिंग करवा दिए हैं। देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं, देख रहे हैं, नया हो गया, देख रहे हैं झक्कास लगा। अच्छा, ये आपका वहाँ से एयर फिल्टर उठाइए। हाँ, एयर फिल्टर, ये देखिए एयर फिल्टर क्या हाल हुआ है, ओल्ड एयर फिल्टर क्या हाल है, और ये न्यू का देखिए क्या है, ठीक है ना। ये देखिए, ये तो बिल्कुल एकदम जी, ये देखिए आपका ब्रेक पैड है, और ये है ओल्ड है, ये न्यू है, देख सकते हैं ब्रेक पैड। अच्छा, देखिए इसमें भी होंडा लिखा हुआ, इसमें भी होंडा लिखा हुआ, ओरिजिनल पार्ट्स। इसमें होंडा है, इसमें भी होंडा है, देख सकते हैं, जूम करके दिखा सकते हैं, ये देख सकते हैं आप। देखिए ये ओल्ड है। हाँ। और ये न्यू है, कलर देख के पता चल रहा है एकदम एकदम एकदम, ये आपका है। अच्छा, और आपका देखिए ऑयल फिल्टर भी आपका ओरिजिनल है, देखिए इसमें भी होंडा लिखा हुआ है। हाँ, हाँ। देख सकते हैं आप सर जी जी, है ना, खुद देखिए। हाँ, होंडा का ये आपका ओरिजिनल है, वो भी आपका ओरिजिनल है, सारा चीज ओरिजिनल है। तो हम लोग सारा चीज ओरिजिनल में ही काम करते हैं। अच्छा, और ऐसा नहीं की होंडा का पार्ट्स नहीं मिलता मार्केट में, सभी मिलता है। हाँ, जो कंटिन्यू काम करते हैं होंडा का, उनको सभी मिल जाता है, ऐसा नहीं की नहीं मिलता आपको मार्केट में, सभी मिलता है, मगर आपको खोज करना पड़ेगा कहाँ से मिलता है, कहाँ से मिलता है नहीं मिलता है जी। ठीक बात है। तो सर इसका एग्जैक्ट कितना टाइम लगा? सर इसका लगा हमको 2 से 3 दिन हमको लगा है, फ्रंट सस्पेंसर, स्टीयरिंग, और आपका ब्रेकिंग सिस्टम का काम है, पेट सर्विस है, ये सब हमको 2 से 3 दिन के अंदर में सर लगा है। 2 से 3 दिन टाइम जी, जी। अच्छा ठीक है, तो सर कुछ टिप्स है तो बताइए। वो टिप्स ये है कि कार को आप लोग ब्रेकिंग सिस्टम को इग्नोर ना करें, ब्रेकिंग सिस्टम को जब भी कार आप लोग सर्विस करवाएं तो ब्रेकिंग सिस्टम जरूर चेक कराएं आप। जी जी बिल्कुल, चारों चक्का खुलवा के मैकेनिक कहीं भी आप करवाएं। हाँ, तो मैकेनिक को बोलिए कि सारा चारों चक्का खोल के मेरा ब्रेक चेक करो, ब्रेक चेक। ये ब्रेक कैसा हाल था पूरा देखिए, उसका कैसा हाल है पूरा। हाँ,
ब्रेक एकदम पतला हो चुका है, लोहा में चल रहा था। और वैसे भी सर ये ब्रेक सिस्टम ठीक नहीं होता है कोई भी कार तो ये तो जान का खतरा एकदम 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 जान का खतरा हो। और एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग का जितने भी व्यूअर देख रहे हैं ब्रेक का जो पैड है वो कोशिश करें ओरिजिनल लगाने का, ओरिजिनल। हाँ, इसलिए कि ओरिजिनल में ब्रेक पैड में एक अलग ही बात होता है। आफ्टर मार्केट लगा सकते हैं, आफ्टर मार्केट लगा सकते हैं, कोई ब्रांड का लगा सकते हैं, ब्रांड का लगाइए, लोकल ना लगाएं, लोकल ना लगाइए। सही बोल रहे हैं, इतना खूबसूरत कार है और आप अगर छोटा मोटा पार्ट जैसे की ब्रेक ब्रेक का शू है ये अगर लोकल लगाओगे तो प्रॉब्लम हो सकता है ना भाई। ठीक है, वैसे बताइए और एक बार जो कितना खर्चा हुआ है। देखिए सर, इसमें खर्चा अप्रोक्स पकड़ लीजिए सर्विस सेंटर में जो खर्चा हो रहा था वो 20-30% का कंप्लीट हो गया। 20-30% यानी कि 100 में अगर बात करें तो 70% से एकदम बची है। सोचिए दोस्तों, क्यों कंपनी का शोरूम में या फिर वर्कशॉप में इतना प्राइस होता है, उसका भी एक रीजन है जी। ताकि ये जितने सारे पार्ट्स देख रहे हो ना वो लोग हमेशा चेंज कर देते हैं, कभी रिपेयर नहीं करते। हम लोग तो रिपेयर कर दिए, यही प्रॉब्लम है ना। ये जैसे कि डिस्क को लेद में भेज, अभी डिस्क कम से कम ये जो है कम से कम तो 30-40 हजार किलोमीटर चलेगा, 30-40 हजार कम से कम। सोचिए तब 32-40 चेंज करने का मतलब चल जाएगा, वो अगर कंपनी में जाते तो अचानक चेंज कर देगा, इसीलिए प्राइस का इतना डिफरेंस है। आप लोग पूछते हैं ना हमेशा कमेंट करके जो प्राइस क्यों डिफरेंस, इतना क्यों डिफरेंस। हम रिपेयर करते हैं, रिपेयर में ज्यादा ध्यान देते हैं, हम लोग रिपेयरिंग में ज्यादा ध्यान देते हैं और इसीलिए कस्टमर ज्यादातर इधर आते हैं जी। बहुत सारे कस्टमर इधर इसीलिए आते हैं और फीडबैक भी अच्छा अच्छा देते हैं। तो दोस्तों अब हम आ गया है एकदम पेंट बुक में, जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये है होंडा अमेज, जानकारी ले लेते हैं इसका बारे में। सर बताइए डिटेल। आपका बोनट पेंटिंग हुआ है, अच्छा, राइट साइड का फेंडर पेंटिंग हुआ है, ओके। और इसका ब्रेकिंग सिस्टम का काम हुआ है फ्रंट का, हाँ। और एसी का काम हुआ है इसका। सर पेंट देख के तो पता नहीं चल रहा है कि पेंटिंग हुआ है। एकदम ये पेंटिंग हुआ है, ये पॉलिशिंग बाकी है अभी। अच्छा, पॉलिश बाकी है जी। हाँ, पेंटिंग हम लोग यही मारे हैं। देखिए पेंटिंग की क्वालिटी देखिए, पेंट बुक में पेंट किया है तो पेंटिंग। अच्छा, वही अभी हम लोग रेट चल रहा है 1499 करके, 1499 पर। मगर ये 1499 करके एक वीडियो हम लोग आया था बहुत पहले, उसमें हम लोग 15,000 रुपया एक कार का डाले थे, तो एक साल हो गया है। तो आप लोग प्लीज आइए, तो एक साल वाला वीडियो का नाम उसका नाम मत लीजिए, इसलिए कि बहुत प्रॉब्लम होता है। एक साल दो साल के बाद हर चीज चेंज हो जाता है। क्या बोलिए, एक साल पहले देख रहे हो शायद, आप देख रहे हो वीडियो अभी, लेकिन वो वीडियो डाले हैं हम लोग एक साल पहले जी जी, तो उसका एक लिमिटेड होता है ना जी, एक ऑफर का। तो 1499 वो चलता रहेगा, वो 1499 वाला जो हमारा जो ऑफर है वो चलता, ऑफर अभी भी है। देखिए पार्ट पार्ट पेंटिंग कराइएगा, छोटा मोटा डेंटिंग अगर होगा तो उसी में हो जाएगा, बड़ा होगा तो एक्स्ट्रा लगेगा, बड़ा डेंटिंग होगा तो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। ये सब जगह में एकदम जो एज इट इज है जी जी। सर ये कार कहाँ से आई है? ये कार सर हम लोग का कोलकाता का ही है, कोलकाता ये पास का ही है कार। अच्छा, हम लोग का वर्कशॉप ऑपोजिट में है, उनका ऑफिस है, वहाँ से ही कार आया बनने के लिए। और टाइम कितना लगा? टाइम सर इसमें लगा है 2 दिन के आसपास लगा है, ज्यादा काम था नहीं, ब्रेकिंग सिस्टम का, एसी का और इसका। अच्छा, वेरी गुड। तो ठीक है, और कितना अप्रोक्सीमेट खर्चा आया परसेंटेज में? अप्रोक्सीमेट परसेंटेज में पकड़ लीजिए आपका वही एसी के काम लेगा, अप्रोक्स 30% के आसपास, 30% के आसपास। 100 रुपया अगर वर्कशॉप में खर्चा होता कंपनी का वर्कशॉप में तो 30% में काम हो गया। और 30% में काम हो गया, सबको डाउट लगता है सर कि इतना कम में कैसे होता। हम लोग रिपेयर करते हैं, रिपेयर करते हैं। एसी कंप्रेसर है, एसी कंप्रेसर का सिर्फ दाम है आपको 30-40 हजार का, वो हम लोग उसको रिपेयर कर देते हैं। सोचिए वो आपका रिपेयर हो जाता है आपका 10% में, 15% में। ठीक है, आप बहुत सारा चीज आपका पाइप है, वो पाइप लोग वहाँ पे जाएंगे सर्विस सेंटर में चेंज करेगा, हम लोग सिर्फ रबर चेंज कर देंगे। अच्छा, ब्रेक पैड जो है वो चेंज करेंगे, हम लोग भी चेंज करेंगे, वो लोग भी चेंज करेंगे। ब्रेक का जो डिश होता है वो हम लोग चेंज करेंगे, हम लोग लेद में उसको बनवा देंगे, वहाँ पे पैसा कम होगी आपका, इसीलिए कम होता है। हम लोग रिपेयर में ज्यादा फोकस करते हैं कि लोगों का काम भी अच्छा हो, ओरिजिनल पार्ट है और रिपेयरिंग करके चला दें कि कम से कम और चले। और इसका भी 20-30 किलोमीटर चलेगा, 20-30 किलोमीटर चलेगा आपका ब्रेक का, वो आराम से चलेगा। तो सोचिए रिपेयरिंग कराने से 30-40,000 किलोमीटर आपका ब्रेक इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन वही ब्रेक पैड लेके आप अगर सर्विस सेंटर में जाओगे बिल्कुल चेंज कर देंगे वो लोग, तो आपका डबल पैसा खर्चा एकदम। ठीक है, तो इधर ही रखते हैं जी। आपका पास भी अगर होंडा कोई भी कार है लेके आइए ऑटोमेटिक का, देखिए नंबर चल रहा है। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही था, आप सबको दिखाया दो होंडा कार हम लोग दिखाए, एक है WR भी, क्या क्या काम हो रहा है नहीं हो रहा है हम लोग वीडियो में डायरेक्ट दिखाया, सैन ने डायरेक्ट डिस्कस भी किया है। दूसरी दिखाया हम लोग पेन बुक में, वो थी होंडा अमेज जो काफी पॉपुलर कार भी है, आप सब काफी दोस्त ऐसे है जो इस्तेमाल भी करते हैं जी जी। उनका पार्ट पार्ट पेंटिंग अभी भी ऑफर चल रहा है 1499 करके, या फिर सर्विसिंग वगैरह जितना भी चार्ज है मिनिमम। थोड़ा डेंटिंग हुआ तो इसी में होगा, बड़ा डेंटिंग हुआ ऐसा चार्ज लगेगा।
तो देखिए स्क्रीन पर जो दिया हुआ नंबर है ये ऑटोमेटिक की नंबर है, आपका पास भी अगर कोई भी कार्ड है आप लेके इधर आ सकते हैं, एकदम प्रॉब्लम को सॉल्व करके फिर से न्यू जैसा एंजॉय कर सकते हैं। सर व्यूअर्स के लिए कुछ मैसेज, व्यूअर्स के लिए बोलना यही है कि आप लोग पास होंडा कार है आप लोग लेके आइए, चीप एंड बेस्ट में बेस्ट सर्विस करने का आपको कोशिश करेंगे, और कार को मेंटेनेंस कीजिए आप लोग, और वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए कि जिनके पास में होंडा कार है उनके पास में कार जाना चाहिए, वीडियो जाना चाहिए, उनके पास वीडियो जाना चाहिए, उनको भी पता होना चाहिए कोलकाता में एक ऑटोमैनिक है जो ये सब कार का काम करते हैं हम लोग। जी जी बिल्कुल। सर वीडियो समाप्त करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर बाइक चला रहे हो तो हेलमेट का जरूर इस्तेमाल करें, या फिर आप कार ड्राइव कर रहे हो तो सीट बेल्ट को इस्तेमाल करना ना भूले। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।